सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। टोनी चिड़िया ने घर बनाने का कारोबार शुरू किया। टोनी चिड़िया के घर मजबूत होते थे, जिसकी वजह से परिंदे उससे बहुत खुश होते थे और उसी से ही अपने घर बनवाते थे। इसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो बहुत आलसी था। उसके घर में अनाज खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। कालू कौवे ने भी फिर लकड़ियों के साथ बहुत से घर बनाए और वो सब परिंदों को आवाज लगाता रहा, आओ आओ परिंदों, मेरे भी मजबूत घर ले दो। लेकिन कोई परिंदा भी उसके पास ना आया। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। कालू कौवे ने सोचा, अगर उसका इसी तरह कारोबार चलता रहा तो मेरे पास कोई परिंदा नहीं आएगा। फिर कालू कौवे ने सोचा कि टुनटुनी जो भी घर बनाएगी मैं उसके घर तोड़ दूंगा। टुनटुनी ने एक बार तोते मियां का घर बनाया। उसने जैसे ही घर बना के वो वहां से चली गई तो पीछे से कालू कौवे ने आके उसके घर के ऊपर बहुत जोर जोर से छलांगे लगाने लगा, जिसकी वजह से घर कमजोर हो गया। तोते मियां बहुत खुशी से अपना घर देखने आया। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, घर टूट के नीचे गिर पड़ा और तोते मियां को बहुत गुस्सा चढ़ा। वो टुनटुनी के पास गया और कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, तुम्हारा घर इतना कमजोर है, मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो तुमने जो घर बनाया था वो सारा टूट गया। जिसकी वजह से टुनटुनी बहुत परेशान हुई। उसने कहा कि मैं जो भी घर बनाती हूँ वो कभी भी नहीं टूटे, लेकिन आज कैसे टूट गए। ऐसे टुनटुनी जो भी घर बनाती, कालू कौवा आके सारे घर तोड़ देता। वो सारे परिंदे टुनटुनी से बहुत नाराज होकर कालू कौवे के पास चले गए और उसी से घर खरीदना शुरू कर दिया। एक दफा टुनटुनी ने सब परिंदों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो मैं घर बनाऊं और वो टूट जाए। उसने एक तरकीब सोची। उसने तोते मियां से कहा कि मैं एक घर बनाऊंगी और हम कहीं छुप कर देखेंगे कि कौन आकर ये सारे घर तोड़ देता है। मुझे तो कालू कौवे पर ही शक है, क्योंकि उसने जब से ये कारोबार शुरू किया है तब से मेरे घर टूट रहे हैं। तोते मियां ने कहा कि बिल्कुल, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूं। उसने एक घर बनाया और वो चली गई। कालू कौवा आया, उसने फिर घर के ऊपर जोर जोर से छलांगे लगाना शुरू कर दिया। परिंदों ने कालू कौवे को देखकर बहुत गुस्सा आया और वो उससे बहुत नाराज हुए। वो कालू कौवे के पास गए और कहा कि तुम ही ऐसी हरकत करते थे कि टुनटुनी का कारोबार खत्म हो जाए और मेरा कारोबार शुरू हो जाए। इसी तरह परिंदों ने कालू कौवे को बहुत जोर जोर से पीटा और कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया।
Thank you.